विवाद से गुस्साए भाई ने अपने जीजे को मौत के घाट उतार दिया। 2013 में घर से भागकर बहन द्वारा करी गई शादी से खफा भाई ने 6 वर्ष बाद इंतकाम लेने के लिए पहले वे मध्य प्रदेश से लुधियाना आया और फिर लुधियाना आकर उसने अपने जीजे को एक सुनियोजित साजिश के तहत उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपने एक दोस्त की मदद से बुधवार की रात राजकुमार नामक व्यक्ति की तेज धार हथियार से काट कर हत्या कर दी, फिर उसको नहर के किनारे फेंक दिया और दोनों फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश आरंभ कर दी है। राजकुमार का नाम का व्यक्ति सी, राजगिरी का काम करता सी, गया अपने जसपाल वांगर किराए ते रह रहा सीगा करीबन 6 महीने तो। ये पिछों ये MP दे रहने वाले हैं। इन्हें कोर्ट मैरिज करवाई सी ठाकरा की कुड़ी नाल। परसों यदा साला अंकित कुमार ते उदा एक दोस्त भुपिंदर सिंह बासी MP इन्हों मिलन लई आए सी। कल शाम नू जदों राजकुमार राजगिरी दे काम करके घरों वापस आया तकरीब शाम नू, तो उन्हें नाल ले गए खाण पीण दे बहाने नाल जसपाल वांगर दे नहर ते लै गए। उत्थे जाके उदा गला वढ़ता ते ढिड विच चाकू मारे ते उह आप मौके ते फरार हो गए ते जिहदी हस्पताल विच आउंदे आउंदे राज कुमार दी मौत हो गई। भैया वो एक मेरा भाई उसका दोस्त मेरे घर आए हुए थे 3-4 दिन पहले, वो लोग दिल्ली में रहे। उनका अचानक फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगे दीदी हम तुम्हारे घर में आएंगे। बोला कि आएंगे तो आ जाओ। एक दिन रुके रहे, खाना पीना सब कुछ खिलाया। दूसरे दिन उनको अमृतसर जाना था तो ट्रेन नहीं मिली, तो फिर लौट के आ गए। बैठे रहे बाहर बाउंड्री पे, बैठे बैठे शाम को 8 बजे का टाइम था। मेरे मिस्टर ने गाड़ी घर में लगा के रखी थी, बोलने लगे कि आ जाओ और थोड़ी घूमने चलेंगे साइड तक। हम लोग पीछे पीछे आए, वो नहीं देखे, वो जल्दी उनको लेके चले गए। बस वो आगे बाइक चला रहे थे, वे लोग पीछे बैठे थे। पीछे बैठे बैठे ही उन लोग ने मेरे पति का गला काट दिया। पूरा गला काट दिया, पेट में भी चक्कू घोंप दी। मेरे जो 2 बच्चे अनाथ हो गए, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारी नंदी भी बैठी है, जो बहने बैठी है, बूढ़े माँ माँ बैठे, उनका पैर टूटा रखा, हम क्या करेंगे। मतलब हमको इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी दिलाइए। बस कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है। बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे शहर में आए हुए कमाने के लिए, धंधा पानी रोटी रोटी चलाते थे, बस उसी का पैसा ही नहीं मिला हम लोग को। हम लोग क्या करें, हम लोग के पास तो मिट्टी तक के लिए पैसा नहीं है। कहाँ से हम लोग पैसा लेके आए, क्या करें बता। हमारा तो संसार ही उजाड़ गए।